हाइड्रो मीन्स होता है वाटर यानी पानी, नेफ्रोसिस मीन्स होता है फिलिंग अप ऑफ किडनीज यानी किडनी में भर जाना। तो फ्रेंड्स, जब किडनी में पानी या तो यूरिन भर जाता है और किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, उसी को हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस किसी एक किडनी में या फिर दोनों ही किडनी में हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस बच्चों को जब होता है तो कुछ बच्चों को तो बाद में होता है या बड़ों को होता है, लेकिन कुछ बच्चों को प्रेगनेंसी के टाइम से ही हो जाता है। यानी जब पेट में होता है बच्चा, उसी टाइम डायग्नोस होता है कि बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है। तो मैक्सिमम टाइम जब कलर डॉपलर होता है 7 मंथ में, तभी डायग्नोस होता है कि बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है, लेफ्ट या राइट जिस भी किडनी में होता है। तो डॉक्टर हमें बताते हैं, डॉक्टर्स का कहना होता है कि बर्थ के बाद अपने आप ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ बच्चों में तो रिजॉल्व होती है, कुछ बच्चों में नहीं रिजॉल्व होती है, जिसको हमें बाद में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टाइम में अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है बच्चे को, तो वो उसी में डायग्नोस होती है। इसलिए अल्ट्रासाउंड आप ज़रूर करवाइए, क्योंकि कुछ लोगों का सोचना होता है कि अल्ट्रासाउंड की क्या ज़रूरत है, हमारा बच्चा तो सेफ है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो सेफ है। तो फ्रेंड्स, बच्चों 100 बच्चों में से किसी एक बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस होता कैसे है या होता क्यों है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होने का कारण होता है कि जब किडनी से यूरिन प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता है, वो बैक होके हमारी किडनी में जाता है, तो वो स्वेलिंग का रूप ले लेता है। यानी जो यूरिन पास करते हैं तो वो किडनी से प्रॉपर बाहर निकलने की बजाय उसी में वापस बैक आ जाता है, और बैक आने की वजह से किडनी में स्वेलिंग आ जाती है। नॉर्मली ये प्रॉब्लम बच्चे के बर्थ के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये ठीक नहीं होती है, उसको हमको दवा वगैरह करवानी पड़ती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम से ही पता चल गया है कि बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए। बच्चे के बर्थ के बाद 3 दिन बाद डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड करवाते हैं बच्चे का, कि ये प्रॉब्लम जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की थी बच्चे में, वो रिजॉल्व हो गई है या फिर नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आगे उसको क्या करना है। तो ये हुई बात कि बच्चों को कैसे हो जाता है और उसको कैसे क्या कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, एलोपैथ में हाइड्रोनेफ्रोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों का, क्योंकि ये जो मैं वीडियो आज आपको बता रही हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे बेबी को भी हाइड्रोनेफ्रोसिस था, अभी पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसकी मेडिसिन चल रही है होम्योपैथ की। जब हम उसको एलोपैथ में दिखाया हमने, तो उन्होंने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है ऑपरेट करके सही करना। तो हम पहले बच्चे को फॉलोअप में रखते हैं, हर 3 मंथ्स में उसके सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट में उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड, और सबसे खास होता है रीनल। रीनल में हमको पता चलता है कि बच्चे को कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, यानी कि जिस वजह से यूरिन पूरी तरह से पास नहीं हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, वो वापस बैक होके किडनी में जा रहा है, वो रीजन क्या है। यानी कि किडनी और वो ट्यूब जो होती है यूरिन पास करने की, उसके बीच में क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। उसमें कुछ भी हो सकता है, ब्लड का क्लॉट हो सकता है, या फिर बड़ों में से किसी को पथरी हो सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं, और डॉक्टर हर 3 महीने में बुलाते हैं, देखते हैं कि अगर जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर बनी हुई है, वो प्रॉब्लम बढ़ी है या घटी है, ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं। अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, यानी जब अल्ट्रासाउंड करवाते हैं उसमें अगर माइल्ड आती है प्रॉब्लम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेट आती है तब भी कोई खास डॉक्टर कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब उससे ज़्यादा बढ़ती है तो उनके पास सिर्फ एक रास्ता होता है ऑपरेट करने का। तो फ्रेंड्स, ऑपरेट छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे को भी यही बताया गया था। हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर हमने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला कि इसमें होम्योपैथ में इसका ट्रीटमेंट होता है। तो हमने जब बच्चे को दवा पिलाई होम्योपैथ की, तो उसको काफ़ी आराम हो गया।
और अगर फ्रेंड्स आपको आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है प्रेगनेंसी टाइम में, आपको नहीं मालूम है कि आपके बेबी को हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम है, तो बच्चे में ये लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चे यूरिन पास करने में बहुत उनको प्रॉब्लम होती है, यूरिन फ्लो में वो पास नहीं करते हैं, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में पास करते हैं। और जब भी उनको अगर आप पानी पिलाएंगे, 6 मंथ के ऊपर है आपका बेबी, तो अगर आप पानी पिलाते हैं तो वो पानी पीने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसे पानी पीने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप पानी पीने को देंगे तो वो रोएगा, चिड़चिड़ाएगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा, प्लस उसको भूख नहीं लगेगी। कुछ भी आप खिलाओ लेकिन ये दूध वगैरह भी नहीं पिएगा, उसको भूख नहीं लगेगी। और उसको पेट में या पेट की साइड, जिस किडनी में उसको प्रॉब्लम होगी, उधर साइड पेन हो सकता है। प्लस बच्चे, जैसे बेबी बॉय है, वो अपनी सूसू पकड़ के खींचते रहते हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम होती है वो अपने सूसू पकड़ के खींचते रहते हैं बच्चे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बेबी को भी हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, या यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है, बच्चे को फीवर वगैरह हो रहा है, तो प्लीज़ आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बस मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस की प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, तो प्लीज़ एलोपैथ में टेस्ट वगैरह करवाने के साथ साथ होम्योपैथ से उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, क्योंकि एलोपैथ वाले सिर्फ फॉलोअप में रखते हैं और उसके बाद सीधा उनका ऑपरेशन का होता है, और ऑपरेशन भी सक्सेस होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आपके बच्चे या आपके किसी रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, किसी के भी बेबी को ऐसी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, या आप खुद उसको ये जानकारी दीजिएगा कि होम्योपैथ में इसका इलाज हो सकता है, तो वो एलोपैथ में टेस्ट वगैरह करवाने के साथ साथ होम्योपैथ में इसका इलाज ज़रूर करवाएं, ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी मेरा बच्चा काफ़ी ठीक हो गया है, उसको अभी हल्की सी प्रॉब्लम है, तो उसकी दवाएं चल रही हैं प्रॉपर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।